में बेवान पर पत्थरबाजी का मामला, कल जहाजपुर बंद और महापड़ाव का आह्वान किया गया है। बस स्टैंड पर सुबह 11 बजे से, आपको बता दें कि महापड़ाव की शुरुआत होगी, सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में यह महापड़ाव होगा, जो कि सुबह 11 बजे बस स्टैंड पर इसकी शुरुआत होगी। और महापड़ाव को लेकर के निजी स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस महापड़ाव को विधायक गोपीचंद मीणा ने अपना समर्थन भी दे दिया है। मांगे पूरी होने तक ये महापड़ाव इसी तरह से जारी रहेगा। ये बड़ी और अहम खबर है। कल शाहपुरा और भीलवाड़ा सहित मेवाड़ बंद की चेतावनी दी गई है। सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में यह महापड़ाव होना है और महापड़ाव को लेकर के निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। तो 11 बजे आपको बता दें कि यह महापड़ाव बस स्टैंड पर शुरू होगा और इस महापड़ाव को विधायक गोपीचंद मीणा ने भी अपना समर्थन दिया है। जहाजपुर से खबर है, कल जहाजपुर बंद और महापड़ाव का आह्वान किया गया है और मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी ये महापड़ाव इसी तरह से जारी रहेगा। कल शाहपुरा और भीलवाड़ा सहित पूरे मेवाड़ को बंद करने की चेतावनी है। महापड़ाव को लेकर के निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में ये महापड़ाव होगा। विधायक गोपीचंद मीणा ने इसको अपना समर्थन दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। जहाजपुर में बेवान के पत्थरबाजी के मामले में जहाजपुर बंद और महापड़ाव का आह्वान कल किया गया है। विधायक गोपीचंद मीणा की ओर से इसको अपना समर्थन दिया गया है। सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में यह महापड़ाव होगा और जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक ये महापड़ाव चलेगा। कल शाहपुरा और भीलवाड़ा और मेवाड़ को बंद करने की चेतावनी दी गई है। सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में आपको बता दें कि यह महापड़ाव रहेगा। महापड़ाव को लेकर के निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल महापड़ाव होगा सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में और मांगे जब तक मानी नहीं जाती हैं तब तक ये महापड़ाव इसी तरह से जारी रहेगा। कल शाहपुरा भीलवाड़ा सहित मेवाड़ बंद की चेतावनी भी दी गई। भगवत सिंह हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। भगवत सिंह, महापड़ाव को लेकर के कल आह्वान किया गया है, निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, क्या जानकारी है कल के इस महापड़ाव को लेकर के? जी आयुष, आपको बता दूं 14 सितंबर जलजुनी एकादशी को जो पीतम्बर श्याम भगवान का बेवान निकल रहा था उस पर जामा मस्जिद से पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे और हालात तनावपूर्ण होने के बाद 3 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन चला था और प्रशासन से जो हिंदू संगठनों की वार्ता हुई थी उसमें आश्वासन दिया गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई है। इससे खपा हिंदू संगठनों और श्री ठाकुर पीतम्बर श्याम संघर्ष समिति और सकल हिंदू समाज द्वारा बाजार बंद कर और महापड़ाव का आह्वान किया है। तौर पर सुरक्षा को देखते हुए और आवागमन को देखते हुए निजी विद्यालयों ने भी कल विद्यालय में अवकाश की घोषणा कर दी है। चलिए भगवत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी